अरे चलो अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ऑफ ऑफ सिस्टम पार्टिकल इज एट द दिन आपका सेंटर ऑफ मास बड़े सारे पार्टिकल है उसकी लोकेशन ओरिजन है इट फॉलोज दैट और चार स्टेटमेंट अपने को दिए हुए हैं पहला स्टेटमेंट कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स टू द राइट ऑफ द ओरिजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल टू द लेफ्ट तो जितने पार्टिकल राइट पे हैं उतने ही पार्टिकल आपके लेफ्ट पे होंगे तो स्नैरियो ये है कि ये आपका एक्स वाई एक्सेस ये आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास है तो अगर हम यहां पे सेंटर ऑफ मास की आ, वो लिखे आ, कैसे निकालते हैं तो अगर आप एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसको अब लिखोगे एम आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एम आई राइट ये आपकी सिग्मा एम आई सो ये आपकी लोकेशन आ जाएगी सेंटर ऑफ मास की एक्स डायरेक्शन में सिमिलरली अगर आप आई सी सेंटर मास निकाल रहे हैं उसको हम लिखेंगे सिग्मा एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई राइट right? ये आपका स्नैरियो सिमिलरली अगर जेड की जरूरत है तो हम सिमिलरली जेड को भी यहाँ पे लिख सकते हैं ना ये आपका दिस इज समथिंग ऑल्ड वेटेड एवरेज ठीक है नंबर ऑफ पार्टिकल टू द राइट ऑफ द ओरिजिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल टू द लेफ्ट नाव ये स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है फॉर द सिंपल रीज़न ज़रूरी नहीं है यहाँ पर हो सकता है इतना हैवी पार्टिकल हो कि वह दस पार्टिकल का जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया सिगमा एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू वो करके उसको अकेला ही वो पार्टिकल संभाल लें ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है कि कुछ पार्टिकल आपके यहाँ पे हों और कुछ पार्टिकल यहाँ पर हों और ज़रूरी नहीं है उनका नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो ठीक है नेक्स्ट है टोटल मास ऑफ द पार्टिकल टू द राइट ऑफ ओरिजन इज सेम एज मास ये भी अगेन आपका सेम नहीं है वेटेड एवरेज जरूरी नहीं है हो सकता है एक इतना बड़ा पार्टिकल हो वहां पे दस पार्टिकल हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी आपके सेम हो ये आपका, आपका जरूरी नहीं है थर्ड स्टेटमेंट कहता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन एक्स एक्सेस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ऑन द वाई एक्सेस अगेन ये स्टेटमेंट भी जरूरी नहीं है कि ये सही हो अगेन फिर वही बात है कि एक यहाँ पे इतना हैवी पार्टिकल रखा हुआ है कि वो सारे आपके एक्स पार्टिकल को ए, इस तरह बैलेंस कर सकते हैं कि आपका यहां पे और यहाँ पे जो है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे पार्टिकल है उन सब का सेंटर मास यहाँ पे ये यह वाली एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी वो हो जाए तो स्टेटमेंट सी भी आपका सही नहीं है स्टेटमेंट डी कहता है कि इफ देयर इज अ पार्टिकल ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सेस देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन पार्टिकल ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस को यहाँ समझना कि मान लीजिए आपका स्नैरियो uh, ये है कि यहाँ पे एटलीस्ट एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पे है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वाई एक्सिस पे नहीं आ, नेगेटिव एक्सिस पे एक पार्टिकल हो ये जरूरी नहीं है ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पे आपका दो पार्टिकल ऐसे हों कि इनका जब एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू या फिर एम वाई एम वन वाई वन एम वन एम टू वाई टू करेंगे तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि आपका सेंटर मास ओरिजिन पे आ जाए तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू नहीं है सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर फोर जो है आपका नन ऑफ दिस दैट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम